वहीं कांग्रेस यानी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में हार पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और इसी के साथ पार्टी के सीनियर नेता भी इसमें शामिल हैं। इसी कड़ी में दो बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं। वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक में गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल उठाया तो सलमान खुर्शीद ने कबूल किया कि मोदी की सुनामी के सामने अब की बार कोई टिका नहीं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने माना 2019 के लोकसभा चुनाव में थी मोदी की सुनामी। सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद में कहा, अच्छी बात यह रही कि हम मोदी की सुनामी में जिंदा रह गए। कल कहा, अमेठी में राहुल की हार की वजह पर पार्टी में गोपनीय तरीके से मंथन हो रहा है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का तंज, सुनामी में हुए नुकसान को अब रिपेयर करने की जरूरत। फरुखाबाद से लोकसभा चुनाव हारे खुर्शीद अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ एक सीट मिली थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक में गठबंधन की हार पर सवाल उठाए हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा कि गठबंधन पर भरोसा करना कांग्रेस की भूल थी। अगर कर्नाटक में कांग्रेस अकेली लड़ती तो 15 से 16 सीटें जीत सकती थी। वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद के बयान ऐसे समय में आए हैं जब कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि खुर्शीद का कहना है कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहना चाहिए। आज तो हम यही जानते हैं कि सीधा सीधा चुनाव हुआ और सीधे सीधे चुनाव में लोकप्रियता, जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। उसको आप लोग क्या कहते हो, सुनामो कहते हो, सुनामो आया। तो लेकिन एक इतनी अच्छी बात है कि सुनामो आया, उसने सब कुछ बहा दिया, लेकिन कम से कम हम जिंदा रहे। कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर पर है। सलमान खुर्शीद अपने मियां मिट्ठू बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो सुनामी होता है वो बार बार नहीं आता है। एक बार आया है, जो उसको नुकसान करना था नुकसान कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में उसको फिर से रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी और फिर से उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे चमकी बुखार की, क्योंकि चमकी बुखार की चपेट में आए बिहार में सरकार से लेकर प्रशासन तक के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चमकी बुखार से अब तक 167 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसी बीच एसकेएमसी के एक सीनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। बिहार में चमकी बुखार से अब तक 165 से ज्यादा बच्चों की मौत, एक डॉक्टर निलंबित। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसी अस्पताल में तैनात एक सीनियर डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। आज स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर के निलंबन का आदेश जारी किया। पीएमसीएच से डेप्यूटेशन पर भेजे गए थे निलंबित डॉक्टर भीम से। निलंबित डॉक्टर पर ड्यूटी से गायब रहने का आरोप, बिहार सरकार मौतों को लेकर दबाव में है। हालांकि इस बीच बिहार के कई इलाकों में शुरू हुई बारिश से मरीजों को राहत मिली है। बिहार में चमकी बुखार से शुरू हुई मौतों के सिलसिले को 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर देश भर में सवाल उठने के बाद आज एक डॉक्टर को निलंबित किया गया। डॉक्टर भीमसेन को पटना मेडिकल अस्पताल से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसी अस्पताल डेप्यूटेशन पर भेजा गया था। आरोप है कि ये डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि वहां पर कल शाम के बाद किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। वहीं मानसून की बारिश से मरीजों के साथ डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली है। एक एडमिशन है और कल शाम से लेकर अब तक एक डेथ, कुल मिलाकर डेथ 109, डिस्चार्ज 225 और आज 39 के लगभग डिस्चार्ज के लिए है। सर, ये पीएमसीएच से जो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर सेन, उनका निलंबन सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है जिसमें उनका निलंबन का है।